हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सेवन टाइप की इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज, और इसकी फ्रिक्वेंसी होती हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने लर्न करने का तरीका भी आपको बताया था। तो अब रेडियो वेव्स क्या होती हैं, माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं और यूजेस क्या हैं इनके। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज 5 × 10⁵ से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक लाई करती हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैविंग एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर से प्रोड्यूस होती हैं। यूजेस की बात करें तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन में इनका यूज होता है, ठीक है। 530 kHz से 1710 kHz एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इनका यूज होता है, ठीक है, जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में यूज में आती हैं। 1710 to 54 MHz जो है वो स्काई वेव प्रोपेगेशन में यूज होता है। 54 MHz से 890 MHz टेलीविजन वेव्स की फॉर्म में यूज होती है। 88 MHz टू 108 MHz FM रेडियो में यूज होती है। 300 MHz टू 3000 MHz सेलुलर फोन्स कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। तो जैसा हमने देखा कि मेन तीन यूज आप इसके याद सकते हैं कि टेलीविजन में यूज होता है, FM रेडियो में यूज होता है, और फोन्स में इस फोन कम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है तो ये बोलेंगे दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हूज फ्रिक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन 3 × 10⁹ टू 3 × 10⁻¹ हर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। प्रोडक्शन की बात करें तो ये स्पेशल टाइप की वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस होता है जिनका नाम कैलेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड एक्सेट्रा, इनसे ये प्रोड्यूस होते हैं। यूजेस की बात करें तो दे आर यूज्ड इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन एंड रडार सिस्टम में इसका यूज होता है। दे आर यूज इन डिटेक्टिंग द स्पीड ऑफ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल एंड ऑटोमोबाइल्स। टेनिस बॉल की स्पीड, क्रिकेट बॉल, जैसे हम कहते हैं कि धवन ने बॉल को हिट किया तो कोई बॉलर होगा, मान लेते हैं अपना बुमराह ने बॉल को फेंका, ठीक है, तो कितनी स्पीड से फेंका वो तुरंत टेलीविजन पर मेजर करके बता देते हैं। तो किसकी वजह से मेजर कर पाते हैं, माइक्रोवेव्स की वजह से मेजर कर पाते हैं। और जो इसके यूजेज हैं, दे आर यूज इन माइक्रोवेव ओवन, कुकिंग पर्पज के लिए इनका यूज होता है। दे आर यूज फॉर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन रेल्स वाइल स्टिंग इन माइक्रोवेव ऑपरेटिंग कंट्रोल रूम्स, तो ट्रेन की स्पीड को मेजर करने के लिए भी इसका यूज होता है। इंफ्रारेड वेव्स की बात करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है 3 × 10⁻¹ टू 4 × 10⁴ हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, इनको हम हीट वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। यूज की बात करें तो ये फिजिकल थेरेपी में यूज होता है, मस्कुलर स्ट्रेन के ट्रीटमेंट में, फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटिंग फ्रूट्स में इनका यूज होता है, फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉग एंड स्मॉग में इसका यूज होता है, सोलर वाटर हीटर्स में एंड कुकर्स में इसका यूज होता है, ठीक है। सीक्रेट राइटिंग ऑन द एंशियंट वॉल्स, तो सीक्रेट राइटिंग को पढ़ने के लिए यूज होता है, एंड चेकिंग द प्योरिटी ऑफ केमिकल्स, तो केमिकल्स की प्योरिटी चेक करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अब विजिबल लाइट की हम बात करते हैं, तो विजिबल जो लाइट है या उनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 4 × 10⁴ हर्ट्ज टू 8 × 10⁴ हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। प्रोडक्शन की बात करें तो दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू एटोमिक एक्साइटेशन, जब हमारा एटम एक्साइट होता है तब ये प्रोड्यूस होता है। यूजेस की बात करें तो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के काम आता है, ठीक है, इससे हम देख पाते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूज है, फोटोग्राफी टू टेक द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, इन एस्ट्रोमिकल टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी विच इन्वॉल्व इन स्टडी ऑफ मिनट ऑब्जेक्ट्स। अल्ट्रावायलेट रेंज की बात करें तो अल्ट्रावायलेट की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 8 × 10⁴ टू 3 × 10⁻¹ हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सन, स्पेशल लैंप एंड वेरी हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं।
यूज़ की बात करें तो बर्गलर अलार्म में इनका यूज़ होता है। बर्गलर अलार्म जैसे आपने देखा होगा कि मूवी में सीन आता है कि एक हीरा है और हीरा को ऋतिक रोशन चुराता है, तो काफ़ी रेड कलर की लाइट्स लगी होती हैं। जैसे ही रेड कलर की लाइट कट होती है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और अलार्म बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको बर्गलर अलार्म कहते हैं। टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनका यूज होता है। किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर, प्रिजर्व द फूड स्टफ, लेसिक आई सर्जरी में इनका यूज होता है, और चेकिंग द मिनरल सैंपल्स उसमें इनका यूज होता है। अब एक्सरे की बात करते हैं। These are the electromagnetic waves of frequency range 3 × 10⁻¹⁷ hertz to 3 × 10⁻²² hertz. इसके बीच में इनकी रेंज होती है। प्रोडक्शन की बात करें तो these are produced when high energy electrons are stopped suddenly on a metal of high atomic number. ठीक है, जब fast moving electron एकदम से suddenly stop हो जाता है तो तब ये waves produce होती हैं। Use की बात करें तो in surgery for the detection of fractures, diseased organs and stones in human body. Engineering में इसका यूज होता है for detecting fault, cracks, flaws and holes in metal products. For detection of explosive, opium, gold and silver in the bodies of smuggler. तो smuggler की bodies में इन चीजों का पता लगाने के लिए ये यूज की जाती हैं। अब हम बात करते हैं गामा रेज की। ठीक है, तो गामा रेज की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 3 × 10⁻¹⁸ टू 5 × 10⁻²³ तक होती है। प्रोडक्शन की बात करें तो दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियाई से ये प्रोड्यूस होती हैं। यूज की बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट में, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका यूज होता है, एंड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इसमें इसका यूज होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।